नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां सिंघिया थाना क्षेत्र के हरपुर पवड़ा गांव में गुरुवार 14 मार्च की देर रात हुई भीषण आगलगी की घटना में आग बुझाने पहुंचे एक युवक की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के घर कोहराम मच गया। घर के सभी लोगों का रो रोकर बुरा हाल होने लगा। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद सिंघिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक की पहचान सिंघिया थाना क्षेत्र के फुलहारा पंचायत स्थित हरपुर पवड़ा गांव निवासी भूलू यादव उर्फ राम शिवो यादव के 28 वर्षीय पुत्र संतराम यादव के रूप में की गई है। घटना के संबंध में मृतक के भाई का बताना है कि हरपुर पवड़ा गांव के वार्ड संख्या 9 निवासी सोने लाल पासवान के घर में 14 मार्च की देर रात को आग लग गई थी, जिसके बाद हला होने पर गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से पानी लेकर आग बुझाने दौड़ पड़े। मृतक भी बाल्टी में पानी लेकर आग बुझाने चला गया, जहां आग बुझाने के दौरान वह अगलगी के घटना में विद्युत प्रवाहित तार जो लटक रहा था के चपेट में आकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में उन लोगों ने इलाज के लिए सिंघिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आग लगी में गया था, आग बुताने के चक्कर में वहीं पे आग तार से लग गया, फिर उसको ले गए हॉस्पिटल, घायल हो गया था तो हॉस्पिटल ले गए, वहाँ फिर मृत्यु घोषित हो गया। तो थाना वाले को अल्लाह हुआ तो ये भी सोया था, उठा, सब पूरे ग्रामीण गए आग बुताने के लिए, ये भी गया, हम भी गए, सब बुताने लगा। एक बिजली का तार गया था जो झोपड़ी का घर था उसका पन्नी उन्नी का, पूरे ग्रामीण गया, ये वहाँ गया, ये नहीं देखा बिजली के तार बरक के गिर गए थे, इसको सट गया शरीर के अंदर, ये वहीं लपेट में आ गया। इसको थोड़ा थोड़ा बोला तो हम सब आए प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ आए तो जो बोला डॉक्टर साहब इसको की हो गया है, मतलब मृत्यु हो गया है। तो वहाँ का इलाके बाद हम सब प्रशासन के गए, प्रशासन बोला इसको पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में अभी समस्तीपुर पहुँच चुके हैं।